अब तक ओप्पो को आप सिर्फ ऑफलाइन मार्केट और सेल्फी कैमरा की वजह से जानते थे, लेकिन अब ओप्पो ने अपना एक नया सब ब्रांड लॉन्च कर दिया जिसका नाम है रियलमी, और इस फ़ोन का नाम है रियलमी 1। तो चलिए आज मैं आपको इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग दिखाता हूँ, साथ ही साथ इस फ़ोन को लेकर अपने ओपिनियंस भी बताऊँगा। और इस बॉक्स को खोलते हैं और देखते हैं कि क्या कंटेंट है इस बॉक्स के अंदर। मैं इसको साइड में रख देता हूँ। आप देख सकते हैं कि ऊपर कंपनी ने एक छोटा सा लिड दिया है। इस लिड के अंदर क्या स्टफ है आपको ये मिलेगा, सिम इजेक्टर टूल, क्विक स्टार्ट गाइड, कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट और ये वारंटी कार्ड। साथ ही साथ आपको ये मिलेगा एक सिलिकॉन कवर। आप देखेंगे तो फ़ोन काफ़ी हद तक आपको ओप्पो F7 की तरह ही दिखेगा। पीछे से काफ़ी अच्छा टेक्सचर है इस फ़ोन का, आप देख सकते हैं यहाँ पे। पर एनीवे मैं ये सब आपको बाद में दिखाऊंगा, अभी मैं फ़ोन को ऑन करके साइड में रख देता हूँ। ये रहा इसका पावर अडाप्टर, ओप्पो की ब्रांडिंग के साथ ही है। 5V 2 Ampere दिया है और इसमें ये आपको मिलती है एक microSD केबल। तो जब आप मार्केट से इस फोन को खरीदने जाएंगे, ये सारी एक्सेसरी आपको इस फोन के साथ मिलेगी। और ये फोन खास तौर पर Amazon एक्सक्लूसिव है। अब इसके फर्स्ट इंप्रेशन की शुरुआत इसके डिज़ाइन से की जाए तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये आपको काफ़ी हद तक ओप्पो F7 की तरह रहेगा। इसमें भी कंपनी ने प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल किया है जो कि काफ़ी हद तक ग्लास की तरह लगता है, ग्लास फिनिश दिया है इस पर। इनफैक्ट जो साइड एजेस हैं इस पर भी कंपनी ने प्लास्टिक का ही इस्तेमाल किया है। और यहाँ पर ओप्पो F7 की तरह आपको सिंगल रेयर कैमरा मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओप्पो की ब्रांडिंग दी है जिसके नीचे लिखा है डिज़ाइन बाय ओप्पो एंड असेंबल्ड इन इंडिया, और यहाँ पर खुद का ब्रांड का नाम लिखा है रियलमी। और पर जो मुझे इसके डिज़ाइन में एक अच्छी बात लगी वो ये कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो टेक्सचर बैक पैनल है काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है और थोड़ा शाइनी भी है। अब बात की जाए इसके डिस्प्ले की तो आपको बता दूं कि कंपनी ने इसमें इस्तेमाल किया है 5.99 इंच का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन डिस्प्ले। ओप्पो F7 में आपको नॉच डिस्प्ले मिला था लेकिन इसमें कंपनी ने फुल विजन डिस्प्ले दिया है और नॉच का इस्तेमाल नहीं किया। और आप देख सकते हैं कि ये डिस्प्ले काफ़ी ब्राइट है, वाइब्रेंट है, और इसमें टेक्स्ट भी आप देख सकते हैं कितने शार्प आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसके अलावा इसके हम इंटरनल स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो वो मैं आपको दिखाई देता हूँ साथ साथ। इसमें कंपनी ने इस्तेमाल किया है हीलियो P60 चिपसेट जो कि आपने ओप्पो F7 में देखा है। इसके साथ साथ इसमें आपको मिलेगी 6GB की रैम, 128GB की इंटरनल स्टोरेज, और इसमें जो OS है वो है ColorOS 5.0 जो कि एंड्रॉयड ओरियो पर चलता है। वहीं बात की जाए बैटरी की तो इस फ़ोन से आपको एक अच्छा बैटरी बैकअप ही मिलेगा। हालांकि Xiaomi जितना स्ट्रांग नहीं है पर इस प्राइस रेंज में इस स्पेसिफिकेशन के साथ आपको इसकी बैटरी से इतना डिसअपॉइंट नहीं होना पड़ेगा। ओवरऑल अगर आप देखें तो कंपनी ने इस बार एक अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ एक डिसेंट प्राइसिंग पे एक ऑनलाइन ब्रांड लॉन्च किया है और एक अच्छा स्मार्टफोन लॉन्च किया है जो कि Xiaomi Redmi Note 5 Pro को टक्कर दे सकता है। पर जब हम कैमरा की बात करेंगे तो आई एम नॉट श्योर कि अभी इसका कैमरा कैसा है क्योंकि सिर्फ फर्स्ट इंप्रेशन है। पर आपको इसके स्पेसिफिकेशन बताऊँ तो फ्रंट में आपको मिलेगा 8 MP का सेंसर जिसमें आपको स्क्रीन फ्लैश मिलती है, बोके इफेक्ट का ऑप्शन भी है इसमें। वहीं बैक कैमरा की हम बात करें तो 13 MP का इसमें सेंसर यूज़ किया है कंपनी ने। मैं एक बार टेस्ट दिखा देता हूँ आपको। शटर स्पीड इसकी भी काफ़ी अच्छी है और इसमें भी आपको बोके इफेक्ट का ऑप्शन मिलेगा। साथ ही साथ आप इसमें फुल HD वीडियो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो ओप्पो ने इस बार एक दमदार स्पेसिफिकेशन वाला फ़ोन डिसेंट प्राइस पे लॉन्च किया है और ये फ़ोन डेफिनेटली Xiaomi Redmi Note 5 Pro को टक्कर देने की क्षमता रखता है। हालांकि यहाँ पर मैं डिनाई नहीं करूँगा कि इसमें सिंगल रेयर कैमरा दिया है जिस वजह से हो सकता है कि कैमरा के मामले में ये थोड़ा सा पीछे रह जाए। इसके अलावा जो इस फ़ोन में हमें दूसरी डिसअपॉइंटमेंट लगी वो ये कि इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिल रहा। आप देख सकते हैं कि ना बैक साइड पर फिंगरप्रिंट सेंसर है ना फ्रंट साइड पर इसके लिए कंपनी ने इसमें फेस अनलॉक मोड मुहैया करवाया है। पर एनीवे ये तो इसके रिव्यू के बाद ही पता चलेगा कि ये फ़ोन परफॉर्मेंस
कैमरा और बैटरी के मामले में कैसा है, और क्या ये Xiaomi Redmi Note 5 Pro को मात देगा या फिर उसके बराबर खड़ा होगा या फिर उसके सामने खड़ा भी नहीं हो पाएगा। और अगर आप इस फ़ोन का रिव्यू जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही साथ अगर आप इस फ़ोन का किसी और फ़ोन के साथ कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो वो भी आप नीचे मेंशन कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।